हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बुधवार का दिन गणपति देवता का वार होता है। बुध ग्रह के स्वामी होते हैं गणेश जी। और दोस्तों, जिन लोगों पर बुध ग्रह के दोष हो या फिर हर काम में बाधाएं आ रही हों, स्थाई लक्ष्मी का निवास नहीं हो रहा हो घर पे, ऐसे लोगों को दोस्तों बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणपति देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी ही आसान सी विधि होती है गणपति पूजा की। घर में बड़ी आसानी से हर कोई इसको कर सकता है। थोड़े से मंत्र अगर आप उच्चारण कर सकें तो अच्छी बात, आज मैं बताऊंगी। अगर नहीं कर सकें तो आपको शुरू से सिर्फ ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ आपको समस्त पूजा करनी है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम को करने के पहले गणेश पूजन बहुत ही आवश्यक होता है। माना जाता है जिस कार्य को शुरू करने के पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, चाहे वो शादी विवाह हो, कोई न्यू बिजनेस हो या कोई यात्रा हो, दोस्तों तो गणेश जी हमारे सारे काम निर्विघ्न पूरे कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस दिन आपको गणेश पूजा करनी है, यानी जिस बुधवार को आपको करनी है, आपको सुबह सुबह उठ करके टाइमली उठना चाहिए, बहुत देर से ना उठे, और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो हरे रंग के या सफ़ेद कलर के आपको वस्त्र पहनने चाहिए। जब भी पूजा पे बैठे, सबसे पहले उस स्थान को साफ सुथरा कर लें, और फिर आपको पूजा शुरू करने से पहले ध्यान रखें, एक आसन लेना चाहिए। आसन हरे या वाइट कलर का लें, अगर कुछ ना हो तो लाल रंग का आसन आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। एक पाटिया ले लें जिसपे आप लाल रंग का या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे, और एक छोटे से गणपति आपको, या तो उनका चित्र ले लें गणपति देवता का, या कोई गणपति जी की मूर्ति ले लें। दोस्तों, अगर कुछ भी ना हो तो एक सुपारी से आपको मौली लपेट करके गणेश जी बना लेने हैं, और उसको एक मिट्टी के सिकोरे में चावल रख भर के उसमें विराजमान कर देने चाहिए। दोस्तों, ये तरीका है सबसे पहले गणपति देवता की पूजा के लिए। आपको स्थापना इस तरह से गणेश जी की करनी चाहिए। एक चौमुखा दिया आपको लेना चाहिए बुध ग्रह का नाम का, और एक आपको दिया जलाना है नॉर्मल घी का गणेश जी के लिए। दोस्तों, आपको चढ़ाने के लिए पंच उपचार, पूजा करने के लिए फल फूल नैवेद्य आदि रखने चाहिए अपने साथ। नैवेद्य में यानी भोग में आपको मोदक या बूंदी के लड्डू रखने चाहिए। फूल आप प्रेफर करें लाल फूल या गेंदा के फूल, गणेश जी को बहुत पसंद है ऑरेंज वाले, अगर हो सके तो वो आप फूल रखें, और धूप दीप आदि ज़रूर जलाएं। दोस्तों, चंदन का धूप या गुलाब का धूप अगर पॉसिबल हो तो वो जलाएं, और थोड़े से चावल अक्षत अपने पास जरूर रखें, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। एक लोटे में जल भर लें दोस्तों, चांदी का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, उसमें जल भर के रखें। सबसे पहले आपको गणपति पूजन शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको पान के पत्ते और दुर्बा, अगर आप हो सके, दुर्बा जो घास होती है दोस्तों, वो गणेश जी को बहुत प्रिय होती है। 21 गांठ अगर दुर्बा की आप 21 बुधवार तक चढ़ाते हैं तो माना जाता है हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। सबसे पहले अब आपको संकल्प लेना है। अपने संकल्प करने के लिए पहले अपने हाथों में थोड़ा सा जल ले लें, थोड़ा सा फूल ले लें, और चावल ले लें। संकल्प में जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं, उस वर्ष, उस वार, उस तिथि का नाम लें, उस जगह को बोलें, और फिर अपना नाम लेकर के अपनी इच्छा या मनोकामना बोलें, और फिर बोलें कि हे देवता, मैं इस तिथि से शुरू कर रहा हूँ तो 21 बुधवार मैं करूँगा या करूँगी, और मेरी ये मनोकामना, ऐसा बोल के उस जल को आपको ज़मीन पर छोड़ देना है। अब आपको अपने बाएं हाथ की हथेली में जल लेना है, और दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है या और आसपास की उंगलियों से एक मंत्र बोलते हुए 3 बार अपने ऊपर जल छींटना है। दोस्तों, मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं बोल सकें, आप सिर्फ बोलेंगे ओम गण गणपते नमः। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाय मायंतरः शुचि। इस मंत्र को आपको बोलना है। इसके बाद आप पूजन की स्थापना करेंगे। सबसे पहले चौकी पर लाल या सफ़ेद कपड़ा आपने जो लिया है उसको बिठा देना है, बिछा देना है, और फिर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। श्रद्धा भक्ति के साथ आपको घी का दिया जला लेना है।
एक जो आपने चौमुखा दिया रखा है वो आपको बुध ग्रह का दिया है। अगर आप बुध ग्रह से पूजा कर रहे हैं, बुध के दोष की वजह से पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये दिया जलाना है। अन्यथा आप सिर्फ बाधाओं के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल बाधाओं के लिए, तो आप चाहें तो ये चौमुखा दिया स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप श्रद्धा भक्ति से घी का दीपक जलाने के बाद गणपति देवता की रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल फूल, दुर्बा, पान सुपारी और जनेऊ, इन 7 चीज़ों से पूजन करें। धूप दीप जलाएं दोस्तों, धूप जलाएं और जल से भरा हुआ एक कलश आपको स्थापित करना है। कलश का भी फिर धूप दीप रोली कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से पूजन करना है। इसके बाद गणेश जी की आप 108 मंत्रों का माला लेकर के, रुद्राक्ष की माला हो, लाल चंदन की माला हो, आपको जप करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप चावल 108 दाने चावल के रंग लें सिंदूर से और उससे फिर आप गिन करके मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। आप इस मंत्र का जप करें 108 बार। अथर्वशीष का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो अथर्वशीष का पाठ करें और उसके बाद अक्षत और पुष्प गणेश जी को समर्पित करें, क्षमा याचना करें। दोस्तों गणेश जी को जल, कच्चे दूध, पंचामृत से स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्ति हो तो सुपारी आप या आपने सुपारी से बनाए हो तो भी उनको भी आपको स्नान करना चाहिए। और वस्त्र अगर आपने गणेश जी के लाए हैं तो गणेश जी को वस्त्र पहनाएं, वरना मौली को लेकर के या कलावे को लेकर के गणेश वस्त्र का भाव करके गणेश जी को अर्पित कर देना है। दोस्तों सब कुछ अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद आपको एक छोटे से रुई का फाहा ले लें, जो रुई की बत्ती होती है वो ले लें, उसमें थोड़ा सा इत्र ले करके, गुलाब का, चंदन का इत्र ले लें और समस्त शरीर में, आप चाहें तो केवड़े का इत्र भी ले सकते हैं और गणेश जी को आप सारे शरीर में थोड़ा सा इत्र लगाएं। दोस्तों 21 गांठ दुर्वा की आपको अर्पित करनी है और फिर मोदक का भोग लगाना है। सर सबसे ज़्यादा प्रिय गणेश जी को भोग में मोदक प्रिय है, इसलिए मोदक, मिठाई, थोड़े से गुड़ आपको रखने चाहिए। ऋतु फल ले लें कोई भी, जैसे केला, चीकू आदि, और गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। इन केस आपके पास मोदक नहीं है तो आप बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए आपको और गणेश जी की लास्ट में सब पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आपको ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः ये बोलते हुए आपको पूजन को समाप्त करना है। और सारी पूजा करने के बाद, आपको पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती करनी चाहिए। जो भी आरती आप करना चाहें वो आप कर लें और फिर अंत में गणेश जी की आरती करने के बाद क्षमा आपको प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों आरती पूरी करने के बाद आपको एक परिक्रमा करनी है और पुष्पांजलि देनी है। पुष्पांजलि देने के समय आपको बोलना चाहिए गणपति पूजा के बाद कि अज्ञानतावश अगर पूजा में कुछ कमी रह गई है, जाने या अनजाने, तो हे भगवान गणेश जी, आपको मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उन गलतियों को क्षमा करें। हो सके तो इस मंत्र को जो मैं बता रही हूँ वो आप बोलें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तमे। आवानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। दोस्तों आप ध्यान दें, गणेश जी की जब पूजा करते हैं बुधवार के दिन करनी चाहिए और सही और बिल्कुल सरल तरीके से इस पूजा को समस्त भक्ति के साथ करें। कोई भी अगर भूल चूक रह जाती है तो ध्यान रखें, मन में वहम विचार नहीं रखना चाहिए। कोई चीज़ अगर पूजा में कम हो मन में वहम ना रखें, सच्चे दिल से प्रार्थना ज़रूर करें गणपति देव का, दिन भर उपवास रखें। शाम के वक्त आप मूंग की खिचड़ी, मूंग दाल के चिल्ले आदि बना करके खाएं। हो सके तो नमक का त्याग करें और ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं गणेश जी को कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस दिन। एक तो किसी की बुराई चुगली आदि ना करें, जो कि हर व्रत में बताया जाता है आपको। दोस्तों इस दिन आपको किसी की भी विशेष रूप से किसी को ना कोई चीज़ देना चाहिए, ना किसी से कोई चीज़ लेना चाहिए, झूठ ना बोलें, बुराई ना करें और स्त्री पुरुष आपस में संग ना करें। दोस्तों धन की कामना के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश जी को आपको घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं धन की कामना से तो आपको ध्यान रखें अपनी पूजा में घी और गुड़ विशेष रूप से भोग लगाना है और थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को आपको खिला देना है। ये उपाय करने से धन संबंधी जो भी समस्या है उसका निदान हो जाता है। दोस्तों अलग अलग चाहत के लिए अलग अलग पूजा का विधान आता है, तो गणपति पूजा अगर आप अपने परिवार में कलह और क्लेश के लिए कर रहे हैं तो बुधवार के दिन आपको दुर्वा के गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति बनानी चाहिए, यानी कि आपको दुर्वा के गणेश जी बनाने चाहिए और फिर इसको अपने घर के दीवाले में स्थापित करें और 21 बुधवार तक जब तक आप पूजा कर रहे हैं व्रत कर रहे हैं हर दिन इसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर पे आपको लगता है तंत्र शक्ति आदि का या कोई भी प्रकार की बुरी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा भर गई है, किसी ने कुछ कर दिया है आपको लगता है, तो आप कल जो पूजन करेंगे बुधवार के दिन उसमें सफ़ेद रंग के गणपति की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार की जो भी तंत्र शक्ति अगर आसपास होती है या ब्लैक मैजिक या कोई भी गलत चीज़ होती है उसका शक्ति का बुरी चीज़ों का या बुरी एनर्जी का नाश होता है और ऊपरी हवा का किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है। दोस्तों भगवान गणेश सभी बुद्धियों को देने वाले हैं, बुद्धि को जगाने वाले हैं और देवताओं देवाओं के देव हैं। दोस्तों प्रथम पूज्य गणपति हैं, सत्य हैं, नित्य बोध स्वरूप हैं और इनको हमेशा नमन है। दोस्तों मैं भी इनको नमन करती हूँ, इनके बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की आप चाहें तो कल प्रतिमा भी लगा सकते हैं, इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, इसलिए अगर आप शुरू करने जा रहे हैं पूजा सबसे पहले अगर हो सके एक छोटे गणपति का स्टिकर या मूर्ति आपको अपने मुख्य दरवाजे पे जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों 11 या 21 दुर्वा का मुकुट बना करके आपको प्रतिमा पर बुधवार को शाम के समय 4 से 6 बजे के बीच में जब सूर्यास्त हो रहा हो यूजुअली उस समय गणेश जी को अर्पित करना बहुत ही हितकारी रहता है। और दोस्तों बुद्धि के कारक हैं इसलिए उनको मोदक का भोग लगाएंगे तो आपकी बुद्धि और संकल्प के साथ साथ आपको सुख सफलता और शांति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा जरूर मिलती है। तो कर लीजिए दोस्तों ये उपाय। कलयुग में भगवान गणेश की धूम्र केतु रूप में हम पूजा करते हैं, दो भुजाएं हैं, लेकिन अगर आप मनोकामना सिद्धि के लिए पूजा करना चाहते हैं दोस्तों तो 4 भुजाधारी गणेश की पूजा आप करें, जिसमें एक हाथ में अंकुश है, दूसरे हाथ में पाश है, तीसरे हाथ में मोदक है और चौथे में आशीर्वाद है। तो दोस्तों ये है पूजन की विधि और कौन से देवता की कौन से गणपति की आपको पूजा करनी है वो समस्त बातें मैंने बताई है, कर लीजिए और आप सभी को भगवान गणपति आप सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, ओम गण गणपते नमः एंड जय भोलेनाथ की।